हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप अच्छे से अपने नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे सो so, अभी काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी सबसे पहले रियली सॉरी फॉर दैट तो आज का दिन शुरू किया मैंने सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया उठने के बाद एंड देन मैंने मेरा जो डे है ना वो प्लान करना स्टार्ट किया सो so, आज ना मैं सारा कुछ मतलब कि लिख रही हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ पूरा दिन तो सबसे पहले मैं ऑफकोर्स बायोलॉजी से स्टार्ट करने वाली हूँ तो बायो मैं कर रही हूँ बायो में मैं अभी मैं कर रही हूँ रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर साथ में मैं इसके नोट्स भी बना रही हूँ वैसे मेरे पास ओल्ड नोट्स भी थे बट मैंने सोचा कि मैं साथ में नए वाले जो नोट्स है ना वो भी बना रही हूँ ताकि मैं उनको दोबारा से रिवाइज़ कर सकूँ और मेरे एक तरीके से रिविज़न भी हो जाएंगे एंड मेरे नए नोट्स जो बनेंगे ना वो मैं दोबारा से रिवाइज़ कर सकती हूँ इन फ्यूचर क्योंकि मैं उसमें काफ़ी कुछ मतलब कि जो इन पुराने नोट्स में मैंने नहीं लिखा हुआ वो, वो भी लिखने वाली हूँ क्योंकि एन से पढ़ते पढ़ते मतलब चैप्टर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बट अगर आप नोट्स बनाते हो साथ में तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है और इस तरीके से मैं काफ़ी कलरफुल नोट्स बना रही हूँ ताकि मैं उन्हें दोबारा पढ़ पाऊँ मोस्टली मैं मेरे नोट्स दोबारा से नहीं पढ़ती हूँ जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है इसीलिए इन नोट्स को ना मैं अच्छे से कलरफुल तरीके से बना रही हूँ ताकि मेरा इंटरेस्ट बने और मैं इनको दोबारा से पढ़ूँ क्योंकि इसमें एन से अलावा भी जो है ना वो भी लिखी होती है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं इसमें इंक्लूड कर देती हूँ तो मेरी रिविज़न हो जाती है मतलब एन की भी हो जाती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इस तरीके के नोट्स बाकी यार आप लोगों को तो पता ही है मैं किस तरीके से शॉर्ट नोट्स भी बनाती हूँ मैंने एक वीडियो में आपसे शेयर किया हुआ है डिटेल में भी बाकी अभी मुझे आप लोगों से शेयर करना है कि मैंने ना मेरा पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया है फाइनली काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ बिकॉज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ना आपके ऑनलाइन से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे तो मैंने ना पीडब्ल्यू की रियल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है मतलब ये एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जैसे कि बिल्कुल जैसे एग्जाम होता है ना वैसे ही जैसे एंटी हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाता है हमें एक डेट मिलती है सिलेबस होता है हमारे पास हमें सेंटर पर जाना होता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं एग्जैक्ट वैसे ही ना पीडब्ल्यू में मुझे एग्जाम सेंटर पर जाना होगा इसका भी मुझे एक एग्जैक्ट सिलेबस मिलेगा यानी एग्जाम से पहले ना एग्जाम जैसा फील इसका जो सिलेबस और जो पैटर्न और जो डिफिकल्टी लेवल है ना होगा नियरेस्ट सेंटर चूज कर लेना गिविंग टेस्ट ना तीन चार दिन के अंदर ही ना डैशबोर्ड भी आपको उसके आंसर की मिल जाएगी एंड आठ से दस दिन में ना रिजल्ट भी आ जाता है एंड रिजल्ट जो है ना वो ऑल ओवर इंडिया आपको मिलेगा एक ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर सकते हो इस बेनिफिट ना ये है कि आप एक नेशन वाइड कंपीट कर रहे हो जहां पे आपको ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी साथ ही एग्जाम से पहले ही आपको एग्जाम वाला फील आ जाएगा उसी के साथ ना इसमें स्कोर भी बहुत ज्यादा बूस्ट होता है क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कंपीट कर रहे हो दस टेस्ट आप ऑलमोस्ट दे रहे हो एंड आप ना अपनी गलतियों से सीख सकते हो ताकि आप फाइनल एग्जाम में वो मिस्टेक रिपीट ना करो उसी के साथ ना एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा क्योंकि आप इतने सारे टेस्ट दोगे इतने सारे बच्चों के साथ कंपीट करोगे और एक पैटर्न से फैमिलियर हो जाओगे ना तो कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज डेफिनेटली होगा इस टेस्ट सीरीज में ना आपको इंक्लूड मिलेगी पंद्रह से बीस टेस्ट कॉपी जो आप घर पे सॉल्व कर सकते हो हार्ड कॉपी आपको मिलेगी साथ में OMR शीट भी मिलेगी उसी के साथ जो एग्जाम की डेट है सेंटर कौन से हैं सारा कुछ आपको ना डिस्क्रिप्शन में आप वहां पे चेक कर सकते आपका नियरेस्ट सेंटर एग्जाम कब है, क्या है so इसका जो प्राइस है ना वो इलेवेंथ क्लास वालों के लिए टू ट्रिपल का एंड ट्वेल्थ क्लास और जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए फोर ट्रिपल नाइन का बट आप एडिशनल डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं ंड्रेड फॉर क्लास ट्वेल्थ एंड ड्रॉपर स्टूडेंट इससे आपको टू हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड रुपीज का ऑफ मिल जाएगा सो so, इसका जो पहला टेस्ट है ना वो थर्टीन अक्टूबर को है जो कि मैं भी देने वाली हूँ एंड अगला टेस्ट टेंथ नवंबर को है सो आप भी ना इसमें जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लो ताकि हम लोग साथ में कंपीट कर सके एंड अपना बेस्ट दे सके बाकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप वहां से इसमें एनरोल करवा सकते हो एंड साथ ही कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हो मैं आपको बता दूंगी बाकी अभी मैं कर रही हूँ फिजिक्स फिजिक्स में ना मैं बेसिक्स कर रही हूँ बिकॉज मेरे बेसिक्स काफी ज्यादा वीक है मैं बहुत बार कंफ्यूज जाती हूँ कि क्या होगा तो मैंने सोचा कि मैं एक वन शॉट वीडियो देख लेती हूँ ताकि मुझे समझ आ सके कि हाँ हाँ मुझे क्या, क्या क्या करना है तो ये वन शॉट वीडियो जो है ना मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी काफी ज्यादा लेंथी वीडियो थी ये मतलब ऑलमोस्ट मेरे ना मतलब इसमें डेढ़ घंटे दो घंटे मुझे लग गए थे क्योंकि मैं नोट्स भी बना रही थी साथ में एंड इसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने सोचा कि मैं मेरे लिए मैगी बना लेती हूँ बिकॉज मैगी इज द सेवियर क्योंकि जब कुछ भी खाने को ऐसा नहीं होता ना तो मैगी इज द बेस्ट थिंग टू ईट क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मैं कुछ दिनों से अकेली रह रही हूँ घर पे तो मैंने सोचा कि मैं मैगी बना लेती हूँ मेरे लिए एंड काफ़ी बार मैं बाहर से भी ऑर्डर कर देती हूँ बट आज मैंने सोचा कि बाहर से बहुत दिन हो गए अभी मैं घर पर ही मैगी वैगी कुछ बना लेती हूँ तो ये मैगी खाई मैंने खाते खाते मैंने मेरा फेवरेट शो भी इन्जॉय किया एंड यही था बाकी यार आप लोग भी बताना कि आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है काफ़ी दिनों से मेरी स्टडी डिस्टर्ब थी जो मैंने बताया एंड अभी थोड़ा ट्रैक पर आ रहा है मैं फिर से दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ ओल इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है मतलब दिन के मेरे ख्याल से मैं पाँच छः घंटे ही पढ़ पा रही हूँ मैं चाहती हूँ धीरे धीरे मैं और इम्प्रूव करूँ बट धीरे धीरे ही होगा ऑफकोर्स वो एक दिन में नहीं होने वाला है सो मेरी ये मैगी बनने वाली है मैगी बनने के बाद मैंने ना थोड़ी सूपी मैगी रखी थी क्योंकि मुझे सूपी मैगी ज़्यादा अच्छी लगती है इसका एक सीक्रेट हो रहा है इससे पेट ज़्यादा भर जाता है क्योंकि मेरे पास एक पैकेट ही मैगी था एंड मेरे ऑर्डर करने का कुछ भी मन नहीं था तो मैंने जो है ना एक पैकेट मैगी लिया थोड़ा पानी ज़्यादा रखा ताकि मेरा पेट भी भर जाए एंड इसके साथ में मैंने इन्जॉय किया मेरा फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वैसे तो मैं एक वेब सीरीज़ आजकल देख रही हूँ फ्री टाइम पे वो मैं बताऊँगी किसी दिन और कि वो कौन सी वेब सीरीज़ है वैसे वो पुरानी है अच्छा मैं बता ही देती हूँ असुर वेब सीरीज़ में देख रही हूँ वैसे तो वो पुरानी है बट मैंने अभी देखना चालू किया आप लोग बताना आपने देखी ऑलरेडी या नहीं देखी एंड या कुछ भी देखते हैं तो पीडब्ल्यू की ऐड आना इस कंपल्सरी वो तो आती ही आती ही है तो उसे स्किप कर दिया मैंने बाकी यार आप लोग बताओ स्टडी कैसे चल रही है ये नहीं ये वेब सीरीज़ है न? ये मत सोचनी मैं पूरा दिन वेब सीरीज़ देखती हूँ ऐसा कुछ नहीं है मतलब दो या तीन दिन में मेरे एक एपिसोड खत्म होता है बहुत मैं सब टुकड़े टुकड़ों में देखती हूँ जैसे मैं कुछ खा रही हूँ तो मैंने देख लिया या मेरा बिल्कुल कुछ पढ़ने का मन नहीं है तो मैंने देख लिया बाकी यही चल रहा है घर पर मैं अकेली हूँ क्योंकि सब लोग कोई काम से बाहर गए हैं वो मैं कभी बताऊंगी आपको फुर्सत में बस यही था साथ में मैगी खा रही थी साथ में मैंने सोचा कि मैं एक और जो है ना चैप्टर कर लेती हूँ एंड यह दिस इज़ मी आप लोग कहते हो फेस रिवील करो तो फेस रिवील मैंने सोचा कि मैं कब करूँगी जब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब मैं फेस रिवील करने वाली हूँ उससे पहले तो कोई चांस नहीं बनता एंड डेफिनेटली जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं दिखाऊँगी ना कि ये मेरा रिजल्ट है इतने मेरे मार्क्स हैं उस दिन मैं फेस रिवील जरूर करूँगी तब तक के लिए तो आपको ऐसे ही बिना फेस के या फिर मैं मास्क लगा के वीडियो शूट करूँगी सो so, yeah, या यही था मुझे आप लोगों से शेयर करना था टेस्ट सीरीज़ मैंने जो ज्वाइन की है एंड आई होप मैं उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकूँ उसका भी जो स्कोर होगा ना मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी मेरे ऑल इंडिया रैंक क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है लगा आप लोग भी ना ज्वाइन कर सकते हो इसे क्योंकि क्या है ना जब पूरे इंडिया लेवल पर कंपीट करते हैं ना तो हमें हमारी गलतियाँ पता चलती हैं एग्ज़ाम से पहले अगर हम इस तरीके के दस एग्ज़ाम दे चुके होंगे ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उस चीज़ का सो so सया yeah, अभी ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था शाम हो चुकी थी सो तो अभी मैं इतना ही पढ़ने वाली हूँ तो बाकी का सब मैं कल करूँगी एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक ओके okay, बाय आप ढेर सारे कमेंट्स कर देना ओके okay, बाय अच्छे से स्टडी कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग